मेरा नाम आमना कमाल खान है, मैं 15 साल की हूँ और मैं लिम्स स्कूल एंड कॉलेज में 10वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं बेसिकली मर्दान से हूँ मगर अभी हयातबाद पेशावर में रहाइश पसीर हूँ। कॉम्पिटिशन के बारे में मुझे मेरी सबसे बड़ी बहन कोमल कमाल खान, अभी वो स्वात में होती हैं, उन्होंने बताया। एक एडवर्टाइजमेंट शो की मुझे, जिस पे हेडिंग थी कॉलिंग आउट आर्टिस्ट्स, और सच बताऊं तो उन्होंने ही मुझे इनक्रेज किया कि मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूं। पाकिस्तान जो है एक विक्टम रहा है टेररिज्म का, पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है टेररिज्म की वजह से, और ये टेररिज्म इस तरह था जैसे एक ना रुकने वाली बर्बादी थी जो कभी ख़त्म ना होती, स्पेशली जो आर्मी पब्लिक स्कूल का हादसा हुआ था। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वही आया था, तो मुझे लगा कि अगर आज सब लोग वो भूल चुके हैं जो उन बच्चों ने सहा है या जो उन बच्चों के ख़ानदानों पर गुजरी है, तो क्या पता अगर मैं अपनी एज में एक पेंसिल और एक पेज उठा कर अगर उनको थोड़ा याद दिला सकती हूँ कि याद करो कि उन पर भी क्या गुजरी थी। तो वो पीस और वो प्रॉस्पेरिटी हमें अभी भी इस माशरे में चाहिए, अभी भी इस सोसाइटी में चाहिए जो कि ख़त्म होती जा रही है। इस तरह से पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करती रही हूँ और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स में सबमिट करती रही हूँ, लेकिन इसमें चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा मुझे, जो सच बताऊँ एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी मेरी, क्योंकि मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और एक स्कूल की स्टूडेंट में बहुत फ़र्क होता है। मुझे लगा कि जो ज्यूरी है, जो जजेस हैं, वो टेक्निकल मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर लेंगे मेरी पेंटिंग से, मगर मैंने अपना फुल बेस्ट ऑफ मी मैंने जो कहते हैं कि दिया, और मुझे जब पता चला तो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो गई और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। पेंटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा जो है मेरे अबू, मेरे वालिद ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पेंटिंग में। अक्सर वो मुझे बुक्स ला के देते रहते, कलर्स ला के देते रहते, चीज़ें ला के, और हमेशा सपोर्ट किया है कि अगर तुम्हें ये चीज़ है तो तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम ये कर सकती हो, अगर तुम्हें लगता है तुम अपने आप में खुद बिलीव करोगी तभी तुम लोगों को ये रियलाइज़ कर पाओगी कि वो भी तुम बिलीव करें। मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 9 सालों से जो है मैं ये कर रही हूँ, और जब इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे मिल गई, कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। और इंशाल्लाह आगे के कॉम्पिटिशन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मैनेज करेगी, अरेंज करेगी, उनमें मैं ज़रूर हिस्सा लूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं सेकेंड तो अगली बार ज़रूर फर्स्ट आऊँगी। एक्चुअली जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं आर्ट कॉम्पिटिशन्स, स्पेशली जब जहाँ पर कोई एज लिमिट ना हो, जहाँ पर कोई एज ग्रुप्स ना दिए गए हों, उसमें पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट लेकर उसमें जाता है अपने साथ, और जब उसमें एक्सेल कर लेता है तो उसको तब पता चलता है कि आई डोंट नीड एनी एज ग्रुप, मुझे किसी एज ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी बड़े या छोटे से मैं किसी से भी कम्पीट कर सकती हूँ। ये एक तरह से इसलिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि हर साल जो है नया टैलेंट जो है दुनिया के सामने आता है और लोग जान सकते हैं नए टैलेंट को। ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि जब आप बहुत मेहनत और तवज्जो से बच्चों की परवरिश करते हैं तो बच्चे आपके लिए हमेशा बायस फ़ख्र रहते हैं। आमना कमाल वॉज एडमिटेड with us when she was about 3.5-4 years old, nursery class में हमारे पास आई थी, और इसमें हमने ये देखा है कि शुरू से ही बहुत लाइक बची है फ्रॉम एकेडेमिक एंड करिकुलर एंड को करिकुलर परस्पेक्टिव्स। इसमें अल्लाह ताला ने इसको गिफ्टेड, मैं कहूँगी एज रिगार्ड्स क्रिएटिव एबिलिटी से गिफ्टेड बची है, और इसका हम यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन में लिम स्कूल एंड कॉलेज में हर क्लास को 4 houses में हम डिवाइड कर देते हैं, उनका इंटर हाउस कंपटीशन करवाते हैं, फिर इंटर स्कूल कंपटीशन, फिर इंट्रा स्कूल और फिर दूसरे स्कूल्स में, ताकि बच्चे में जो अल्लाह ताला ने टैलेंट्स रखे हैं उसको सामने लाने का मौका मिले।
और मुझे याद है कि बचपन से ही ये बच्ची जो है बहुत खूबसूरत कार्ड्स बनाती है, बहुत खूबसूरत इनविटेशन कार्ड्स, थैंक्स कार्ड्स, कोई भी चीज़ हो, हर ईद पे, मुझे वो ईद याद नहीं है जब से ये दाखिल है कि इसने अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड जो है मुझे तोहफे में, अपने टीचर्स को तोहफे में ना दिया हो। शी, अगर वो जीती है तो वाकई आप लोग जो हैं टैलेंट की कदर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बच्ची से जब मालूम हुआ तो यकीन नहीं आ रहा था। मेरे बच्ची से कहा कि इस पे कोई कुछ ब्लैक एंड वाइट में कुछ है, तो उसने कहा हाँ बाबा मेरे पास है। मैंने कहा ला के दिखाओ। अच्छा, जब ला के दिखाया, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि ये हकूमती ऑर्गेनाइजेशन आया है कि नहीं है, तो जब उसने दिखाया और मैंने देखा तो मुझे यकीन हो गया, और यकीन करें मैं बड़ा खुश हो गया। और इस पे नहीं कि मैं अपने इस एज में जो है किसी कोई अचीवमेंट मैंने हासिल की, बल्कि बच्ची के अचीवमेंट पे और उसके इनकरेज होने पे, क्योंकि वो बहुत ही खुश थी और बड़ी इनकरेज फील कर रही थी, तो मैं भी बड़ा खुश था और उसकी माँ भी साथ साथ बहुत खुश।